हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज के वीडियो में मैं आंसर करने वाला वालू फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन जो मुझसे तुम लोगों ने लास्ट वीडियो में पूछे थे तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि आर एनालॉग वॉचेज अलाउड और नॉट येस एनालॉग वॉचेज आर अलाउड मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन सी वॉच लेके गया था तुम देख सकते हो मैं ये वाली वॉच लेके गया था एनालॉग एनोलॉग वॉचिज अलाउड है डिजिटल वॉचिज अलाउड नहीं है डिजिटल वॉचेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है भले ही वो स्मार्ट वॉच हो या नॉर्मल जो डिजिटल वाली वॉच होती है वो सेकेंड चीज कि एडमिट कार्ड को लैमिनेट करवाना या नहीं आई वुड से कि तुम करवा लो कंपलसरी नहीं है बट इससे क्या है तुम्हारा ओरिजिनल वाला जो है एडमिट कार्ड वो प्रोटेक्ट रहता है फटेगा नहीं या किसी का फोल्ड वोल्ड नहीं होगा तो आई वुड सजेस्ट कि तुम लैमिनेट करवा लो और लैमिनेट करवाने से पहले तुम इसकी दो तीन फोटो भी निकलवा लेना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक यू फॉर दी ओवरवेलमिंग रिस्पॉस दट आई गॉट इन दिस वीडियो थैंक यू सो मच एवरी अब मैंने जो प्रॉमिस करा था कि तुम लोगों को मैं आंसर करूंगा कमेंट्स में मैंने 400 से भी ज्यादा कमेंट्स का आंसर करा था बट 700 कमेंट्स 300 400 कमेंट्स अभी भी बच गए मैं सबका आंसर नहीं कर पाया कल का पूरा डे जो है मैंने यूटिलाइज कर लिया था कमेंट को रिप्लाई करने में एंड उसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई थी मेरी सो आई डिसाइडेड कि मैं ये वीडियो बनाऊ एंड तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर कर दूँ अब बात करते हैं एक जने ने मुझसे पूछा है कि क्लियर बैग में ले जाना अलाउड है या नहीं क्लियर बैग में मत ले जाओ अलाउड नहीं है वो तुम्हें फोल्डर भी नहीं ले जाने देंगे बस तुम्हें तीन चीजें ले जाने देंगे जैसे मैंने बोला था एडमिट कार्ड ट्रांसपेरेंट पाउच एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट पाउच तुम ऐसा ले जा सकते हो न एक जने ने मुझसे पूछा था कि प्री बोर्ड से ज्यादा पेपर इजी था या नहीं प्री बोर्ड से इजी था वुड से बोर्ड का पेपर जो था एंड ये क्वेश्चन जो है एक और जने ने पूछा था हाउ many पी वाई क्यूज़ वर देयर आई वुड ऑनस्टली से मैंने पी वाई क्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं करी थी मैंने बस सी बी एस ई का सैम्पल पेपर सॉल्व करा था एंड मैंने जो है लास्ट डे में ही पढ़ाई करी थी मतलब मैंने संडे को ही पढ़ाई करी थी सटरडे को भी नहीं पढ़ाई करी थी क्योंकि म्यूज़िक का पेपर था एंड मैं थक गया था तो मैंने खाली संडे संडे पढ़ाई करी थी एंड मेरा पेपर अच्छा गया इसलिए हुआ था यह सब क्योंकि मैंने जो है पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी मतलब मेरे बेसिक्स जो थे वो क्लियर थे आई होप मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा क्वेश्चन है कि कैन आई कैरी अ बैक बैक टू द एग्जाम सेंटर नहीं यू कैन नॉट टेक बैक बैक टू द एग्जाम सेंटर अगर तुम ले जा रहे हो तो तुम्हारे पेरेंट्स को वापस दे देना तुम्हें सेंटर के बाहर तुम जो ले जाने ले जा सकते हो सेंटर के अंदर खाली तुम तीन चीजें ले जा सकते हो तो जो तीन चीजें मैंने तुम्हें बोली थी एंड वो भी सब चीजें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ये नहीं कोई स्टील का या कोई वुडन का सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए आई एम ग्लैड कि इस वीडियो ने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया एंड डर भी लग रहा है यार डर तो लगेगा ही मेरा मुझे भी डर लगा था बट जैसे तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा तुम्हारा जो डर है कम हो जाएगा बहुत सारे जनों ने मुझसे ये चीज पूछी थी कि जो पेपर था वो बोर्ड से प्री बोर्ड से ईजियर था या नहीं प्री बोर्ड से ईजियर था एंड सीबीएसई -सी का जो सैम्पल पेपर था उससे भी ईजी ये वाला जो बोर्ड का पेपर था आई वुड से या मुझे लग रहा है आई डोंट नो लेकिन मुझे तो ईजी लगा सैम्पल पेपर और बोर्ड के पेपर दोनों से लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड आई डोंट नो यार सच में नहीं पता सैम्पल पेपर से इजी था एज टोल्ड एंड एडिशनल पेपर मैंने सॉल्व नहीं करा था मैंने सैम्पल पेपर ही सॉल्व करा था एंड आई वुड से मैंने इसलिए सॉल्व नहीं करा था क्योंकि हमारे सर ने वर्कशीट दी थी एंड मैंने उसे अच्छे उस से सॉल्व करा था एंड उससे मेरे ख्याल से आई थिंक उससे जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हुए थे अब तुम में से ना कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब ये वर्कशीट तो एक सेकेंडरी चीज है लेकिन प्राइमरी चीज जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए वो थी मनी की एक्सरसाइज वेट मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मनिका की जब तुम एक्सरसाइज खोलोगे ना प्रश्न निर्माण की मैं बात कर रहा हूँ तो तुम देखोगे तो बहुत सारे जो है ना जो प्रश्न निर्माण है वो रिपीट हुए हैं एंड मुझे लगता है हिंदी वालों के साथ भी यही होगा कि एनसीआर से रिपीट हो सकते हैं एंड तुम देख सकते हो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे एंड ये जो आंसर है प्रश्न निर्माण के जो क्वेश्चन है इन्हें मैंने अच्छे से मैंने समझ लिया था एंड याद कर लिया था तुम कह सकते हो और इससे जो है तीन प्रश्न निर्माण जो थे डायरेक्ट बुक से उठ के आए थे अटेंडेंस शीट फिल करनी होती है वो तुम्हें इनविजीलेटर गाइड कर देंगे तो इन सब की तुम टेंशन मत लो ओ एम आर शीट तुम्हें टेन ओ क्लाक मिलेगी एंड तुम्हें टेन फिफ्टीन तक टाइम मिलता है पंद्रह मिनट का टाइम मिलता है तुम ओ एम आर शीट भरने का तुम लोगों को ओ एम आर शीट तुम अच्छे से भरो एंड तुम्हें पंद्रह मिनट आई वुड से इनफ टाइम है एंड टेन फिफ्टी पे तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है जो फिफ्टीन मिनट का रीडिंग टाइम होता है अगर तुम कोई गलती कर देते हो तो इन्विजिलेटर जो है ये नहीं आते ही चेक कर देगा आंसर शीट पर तुम्हारी आया और उसने चेक कर दिया वो तुम्हारी डिटेल्स पड़ेगा एटलीस्ट वो तुम्हारे तीन मिनट ले लेगा एक सिंगल

एंड मैं कहूंगा तुम ब्लैक पेन लेकर ही मत जाओ यार रिस्क क्यों ले रहे हो मैं तो इसलिए लेके गया था कि मैं यूज कर पाऊं लेकिन जब मैंने वहाँ पर पूछा तो उन्होंने मना कर दिया था ब्लैक पेन यूज करने से देखो भाई तुम क्वेश्चन पेपर में एक पेंसिल से मार्क भी नहीं कर सकते लेकिन मैंने पता है बहुत ज्यादा मतलब मार्क अलाउड नहीं था बट मैंने कर दिया था एंड सर ने देखा भी था सर ने कुछ नहीं कहा ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन इनविजिलेटर कि तुम्हारा इनविजिलेटर कैसा है कॉपी का फर्स्ट पेज कैसे फिल करना है ये तुम्हें इनविजिलेटर ही या टीचर ही बताने वाले हैं एंड तुम इस बात पे डरो मत तुम्हें जो है हर एक चीज़ टीचर्स बता देंगे ओ एम आर शीट कैसे भरनी है तुम्हें रोल नंबर कहाँ कैसे क्या करना है वो सब कुछ तुम्हें बता देंगे जैसे तुम सेंटर में एंट्री करोगे सेंटर में क्लास कैसे ढूंढोगे अपनी तो वहाँ पे जो है क्लास रूम के आगे लिखा होगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक रोल नंबर इस क्लास में या उस क्लास में अगर नहीं लिखा हुआ तो तुम किसी से पूछ लेना वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे तुम्हें जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है भाई तुम भूल मत जाना अगर तुम एडमिट कार्ड लेके नहीं जाओगे तो वो क्रॉस चेक कैसे करेंगे वो तुम्हारा एडमिट कार्ड देखते हैं साइन करने से पहले आंसर शीट जब साइन होती है ना तो तुम्हारा जो है आंसर शीट साइन करने से पहले चेक करते कि तुम एडमिट कार्ड लाए हो या नहीं उसमें सिग्नेचर है तुम्हारे पेरेंट्स के और तुम्हारी जो डिटेल है वो करेक्ट है या नहीं तुम्हारी फोटो करेक्ट है या नहीं तो एडमिट कार्ड लेके जाना है तुम्हें एग्जाम हॉल के अंदर एंड वो तुम्हारे पास ही रहेगा हमेशा बैग्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है तुम बैग्स बाहर रखने की बात कर रहे हो बैग्स अलाउड ही नहीं है एंड तुम्हें फोल्डर भी अलाउड नहीं है तो बैग्स तो बहुत दूर की बात है तुम्हें खाली तीन चीज़ें लेके जानी है जो मैंने तुम्हें बोला था रूम में कितने इन्विजिलेटर हैं दो इन्विजिलेटर होते हैं रूम में एक सेंटर की तरफ से होगा और एक तुम्हारी स्कूल या सी की तरफ से होगा कितने सैम्पल पेपर बनाए संस्कृत में मैंने जीरो सी बस का सैम्पल पेपर बनाया एंड पी मैंने बिल्कुल सॉल्व नहीं करे थे एज सेड मैंने एनसीआर को अच्छे से करा था हर एक चीज़ जो तुम ले जा रहे हो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए मेरे भाई वरना प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे साथ एंड एम सी क्यू के आंसर तुम मार्क कर सकते हो यानी वो एज सड इन्विजिलेटर के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा इन्विजिलेटर कैसा है मेरा वाला जो हमारी क्लास में थे वो चिल थे उन्होंने कुछ नहीं कहा मैंने आंसर भी लिख दिए थे आई होप यार मैंने तुम सबके आंसर जो है आंसर जो क्वेश्चन के आंसर है वो मैंने कर दिए होंगे एंड uh, अगर कोई और क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुम सबके आंसर को तुम्हारे सबके क्वेश्चन को आंसर कर पाऊं थैंक यू फॉर दिस रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना